मैंने स्टार्ट की थी एक सीरीज जिसमें मैं आप लोगों से फिटनेस चैलेंजेस ले रहा हूँ, और इस बार मुझे चैलेंज किया है मिस्टर शुभम ने। चैलेंज ये है कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, वो भी भग के, और इन दोनों शहर की दूरी है 50 किलोमीटर, और ये दोनों शहर है देहरादून और ऋषिकेश। इतनी बड़ी रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है पैकिंग। तुम अगर ज्यादा सामान पैक करोगे तो तुम उसे उठाने में ही थक जाओगे, और अगर काम करोगे तो क्या पता तुम कुछ छोड़ ना दो। अब बस तैयार होना बाकी है। अभी तो रात हो रही है, अभी से कहाँ जा रहा है? ओके देन, Go. अबे बैग तो ले गया आप लोग। It's cold. एक घंटा हो गया भागते हुए। मैंने करीब 5 किलोमीटर किया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वॉक ही था। बहुत ज्यादा ठंड है और इतने ठंड में लाइक भागना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो सूरज निकल चुका है और 10 किलोमीटर हो चुके हैं, अराउंड 1.5 घंटा लग चुका है। अब दिखेंगे सूर्यदेव। अभी तो सिर्फ 15 किलोमीटर हुए हैं और अभी से ही हालत ख़राब हो गई है, एंकल में पेन हो रहा है। देखते हैं कहां तक जाते हैं हम और ये चैलेंज। देखो भाइयों, यह मेरे नाम का कैफ़े खुल चुका है, जिसका मालिक मैं तो नहीं हूँ, बट यस देयर इज अ कैफे ऑफ माय नेम। I need energy, a lot of energy. I am back with my glasses and on my shorts. तो अभी बहुत बचा है। मैंने एक्चुअली कैच भी नहीं किया है कितना बजा है, बट अभी तुम देखो मेरे सामने क्या है। दूर दूर तक ना कोई दुकान ना कुछ, ये एक प्रॉपर हाईवे है और बगल में घना जंगल जहाँ से पता नहीं कब क्या निकल जाए। और यहाँ हमें
दिखते हुए मोर, वो भी तो मुझे ये नहीं पता मोर है हम मोर नहीं बड़े हैं। तो 20 किलोमीटर होने ही वाले हैं, बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी थी तुम्हें। तो ये माँ कामाख्या देवी का मंदिर है और ये यहाँ बहुत फेमस है, इसकी बहुत मान्यता है। तो मुझे एक ऐसा ही रनिंग का चैलेंज मिला था जो एक प्रॉपर अल्ट्रा मैराथन थी 100 माइल्स की, यानी 160 किलोमीटर। उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो 160 किलोमीटर की थी। लाइक सीरियसली 160 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं अपने शहर देहरादून से निकलूँ तो मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा 160 किलोमीटर में। तो वो थोड़ा ज़्यादा था, बट आई विल गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर। तो सॉरी प्रियांशु भाई, बट आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, आज नहीं तो कल। कल मतलब कल नहीं, बट आने वाला कल। 20 किलोमीटर्स कंप्लीटेड, 30 टू गो। मैं हूँ अभी सबसे गंदे पार्ट पे, जो है फ्लाईओवर की चढ़ाई। कब होगा खत्म भाई? तुम्हें दो चीज बतानी है। पहला तो ये ना प्यारा व्यू है, और दूसरा मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, और इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाया है पावर बैंक के साथ। अब देखते हैं। ये रही सॉन्ग रिवर, देख रहे हो कितनी छोटी दिख रही है। और ये बारिश में ना ये पूरे यहाँ तक आती है, यहाँ तक ये ना पत्थर है पूरे, अभी कितने कम है। बारिश आएगी तो तबाही मचा देगी। तो जो ऐसी अल्ट्रा मैराथन होती हैं या लॉन्ग रेसेस होती हैं, इनमें वॉकिंग का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। कि वॉकिंग ही तुम्हें तुम्हारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का एक टाइम देती है, तुम्हारे लेग्स को रेस्ट करने का टाइम देती है। आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। भाई आ गए हमारे भाई, और ये लाया है पावर बैंक, देखते हैं। इतना टाइम लग गया है भाई, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आ गया, नेवर सेटल। तो देखते हैं लास्ट 10 किलोमीटर्स, बस फिर चैलेंज कंप्लीट। थक गए भाई, थक गए। बस लास्ट पुश। तो सिर्फ 10 किलोमीटर बचे हैं त्रिवेणी घाट पहुंचने के लिए, और मेरा फाइनल लैप है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भागूं,
नॉन स्टॉप। आई गेस मेरा भाई मुझे नटराज मिलेगा, जो ऋषिकेश का मेन चौक है वहाँ पे मिलेगा मतलब। फिर वहाँ से क्या था, मैं वॉक करते हुए ही जाऊँ क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, मार्केट है, तो हाँ यही है प्लान अभी तो। एक चीज फिर से दिखानी है तुम्हें, तो वो है कि ये मंदिर है छोटे छोटे हैं बट इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। जैसे तुम्हें एक मंदिर पहले भी दिखाया था माँ कामाख्या का, उसकी मान्यता बहुत है, इसकी भी है। तो फिर से आ गई है एक और प्रॉब्लम, जो है अगेन फ्लाईओवर की चढ़ाई, खासकर ढलान से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कंडीशन तो सही है, थैंकफुली कोई ब्लिस्टर्स नहीं हुए पाऊं में और नी कैप की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं लेके आया तो था बट नी में भी कोई खासा पेन नहीं है, बस बाकी ठंड बहुत ज्यादा है अभी भी दिन में, मेरे को वापस जैकेट पहननी पड़ गई थी। ये पुल खत्म होते ही ऋषिकेश आ जाता है, तो फिर वहां पे देखते हैं मेरा भाई मिलेगा। फिर चलते हैं त्रिवेणी घाट, यहाँ पे होगा अपना चैलेंज खत्म। तो आखिरकार हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं और मेरे सामने है होटल नटराज। अब यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है त्रिवेणी घाट, और ये 3 किलोमीटर मैं वॉक ही करूँगा। तो हम पहुंचने वाले हैं, अराउंड 500 मीटर्स बचा है। आखिरकार हम पहुंच गए। पता नहीं चल रहा है लेकिन बहुत दिख रहा है। अगर किसी के जाके डुबकी लगाई तो क्या किया, तो इट्स नेसेसरी। ठंडा है क्या वो वाली वीडियो थी, उससे ठंडा है या उससे कम है? जो हमने जो विराट वाली वीडियो थी वाली उतना ठंडा है वो चेन होल्ड कर ले यहाँ पर, तो वो चेन होल्ड करने वाली। अबे भाई काई है वो पकड़ा नहीं यार, जहाँ नहीं जहाँ काई नहीं है वहां पर करना, जल्दी जा यार। सो अनदर चैलेंज कंप्लीटेड, बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर पुशिंग मी एंड नाउ इट्स योर टर्न। शुभम भाई हो गया तुम्हारा चैलेंज भी कंप्लीट, और अगर किसी और को भी चैलेंज देना है तो कमेंट द चैलेंज बिलो एंड माई सेल्फ टैग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। And yeah, challenge me if you can.